कंप्यूटर सर्वर के साथ और मां कसम मरियम की पालकी, ये चर्च में दाखिल होंगे बाहर चर्च के दरवाजे से। जैसे ही आप लोग अपनी जगहों पे बैठे रहेंगे काम, ताकि वो आपको वो जो चीज सामने हो रही है सबको देखने में भी पता लगे कि क्या है, खड़े होंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी। तो पालकी जैसे ही आएगी तो एक तो आप पालकी की तरफ जरूर नजरें अपनी उस तरफ ध्यान रखिएगा, और पुरजोश तरीके के साथ माम कसम मरियम की जब यहाँ पर हम लाकर उसे उन्हें उनकी रिस्पेक्टेड प्लेस पर वहां पर स्टेचू रखा जाएगा, उस वक्त भरपूर तरीके से तालियां बजाएंगे। ठीक हो गया? तो क्वायर जो है वो जैसे ही आपको बाबूजी वहां पे सिग्नल करेंगे, इशारा करेंगे, आप लोगों ने अपना गीत जो है वो शुरू करना है। पहाड़ी पे उसको रिस्पेक्टेड प्लेस पे रखेंगे। तो फादर से बात वो यहाँ पर सामने होंगे, ठीक है, और उन्हें फिर आज का वेलकम किया जाएगा। उस वेलकम में हमारे वो मोमिन जो अपनी अकीदत का इजहार करना चाहते हैं फूलों की सूरत में, माला की सूरत में, वो आप लोग जो हैं वो अपने फादर साहबान से ज़रूर अपना इजहार कीजिएगा। और फिर उस वेलकम के बाद हम सब जमायत की सूरत में रोजरी की इबादत में शामिल होंगे। ठीक हो गया? ये तीसरा हिस्सा जो है वेलकम के बाद, तीसरा हिस्सा क्या है कि हमने रोजरी में, और रोजरी में जिन ग्रुप्स को हमने नाम उनके लिए हुए हैं, आपको बाबूजी ने रब्ता करके बताया अभी कि किस नंबर पे आप लोगों ने कौन सा प्लेट पढ़ना है, वो आपको यहाँ से पूछ कर बता दें। ठीक है? तो ये ग्रुप्स रोजरी पढ़ेंगे। रोजरी पढ़ने के बाद जो है वो फिर ताज पोशियों का वक्त होगा। ठीक है? ताज पोशियों में जो खानदान, जो कपल्स वो खुशी के साथ आज के इस शालीमाम कसम मरियम में अपना अकीदत और नजराना पेश करेंगे ताजपोशी की सूरत में, वो उनके लिए मौका होगा। तो साथ ही साथ जब पहले ताजपोशियाँ होंगी, फिर बाद में वो खानदान जो दुपट्टा लेकर आए हैं, जिनके पास जो दुपट्टा ग्रुप्स भी उनमें शामिल हैं, वो उनको भी मौका दिया जाएगा, वो भी अपना अकीदत बड़ा तोहफा पेश कर सकते हैं। फिर उसके बाद आखिरी हिस्सा जो है वो पाक मास में अकदस कुर्बानी का। ठीक है? फिर अकदस कुर्बानी में हम सब जो है उसी संजीदगी के साथ जिस तरह हम आगाज करेंगे पहले मरहले से, पहला हिस्सा, उसी तरह फिर आखिरी हिस्से में भी दाखिल होंगे। तो क्वायर जो है वो आप इन सारी चीज़ों को देख लें, फिर पाक मास में क्वायर जो है